हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है JNG मम्मीज किचन में। आज हम बनाने जा रहे हैं मूली की फल की सब्जी, जिसको हमारे घरवाल में सिंगरा बोलते हैं। इसको हम छोटे छोटे पीस करेंगे। देखो दोस्तों, हमारा फली कट के, मूली का फली कट के तैयार हो गया ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में। अब इसमें लगेगा हल्दी पाउडर 1 चम्मच, आधा किलो फली है, और 1.5 चम्मच हम इसमें डालेंगे, थोड़ा सा तीखा अच्छा लगता है, 1.5 चम्मच वो डालेंगे। मिर्च पाउडर, नमक अपने हिसाब से डालिए, मैं तो 1 चम्मच रखी हूँ। आधा चम्मच टेबल स्पून वो जीरा पाउडर, जीरा पाउडर की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमें इतने कम ही इंग्रेडिएंट बनाना पड़ेगा। ये प्याज छोटा सा, 1 टमाटर, थोड़ा सा धनिया पत्ती, बस कम ही सामग्री में हम बनाएंगे। अब हम 1.5 चम्मच तेल डालेंगे। तेल भी बहुत ही कम लगता है। अब हमारा तेल गरम हो गया। अब हम इसमें जीरा डाल दिए, प्याज डाल दिए। प्याज को हम थोड़ा सा पकने देंगे। चम्मच चला लेते हैं और प्याज हल्का सा हम पकने देते हैं। आंच हल्का सा तेज कर देते हैं। देखो दोस्तों, इसको हम ऐसे छोटा छोटा पीस करेंगे। देखिए, देखो दोस्तों, हमारा प्याज ब्राउन हो गया, हल्का ब्राउन करना है। उसके बाद हमें मूली की फली डाल देना है और थोड़ा सा चम्मच चला देते हैं। तो देखो, चम्मच चला दिए। अब फिर हमें इसको कम आँच में बनाना है। आँच कम कर दिएगा, कम आँच और हल्का सा ढक देते हैं 2 मिनट के लिए। देखो दोस्तों, अब हमारा फली हल्का नरम हो गया। अब इसमें हम नमक डालेंगे। नमक स्वाद अनुसार डालिए, मैं 1 चम्मच डाली हूँ, आधा किलो उसमें। और नमक डालिए, हल्दी पाउडर डालिए, मिर्च पाउडर डालिए। इसमें गरम मसाले की जरूरत नहीं पड़ती। अब इसमें हम टमाटर डाल देते हैं। बहुत कम तेल में पकने वाली सब्जी है और फटाफट बनने वाली सब्जी है। एक ही टमाटर डालेंगे, ज़्यादा टमाटर नहीं डालेंगे, इसमें टेस्ट अच्छा है कम टमाटर में। अब हल्का सा हम इसको ढक के पकाते हैं। अब हम ढक्कन खोल कर देखते हैं थोड़ा चम्मच चलाने के लिए। देखो, हमारा सब्जी पक रहा है। थोड़ा सा 1 मिनट और ढक कर पकाते हैं इसको। हाँ, हमारा सब्जी बनकर तैयार हो गया। अब इसमें हम धनिया पत्ती डाल देंगे और थोड़ा सा चम्मच चला देंगे। खाने में बहुत टेस्टी होता है, ज़रूर आप एक बार बना कर देखिए। अभी ठंड में तो मज़ा आएगा। हमारा मूली के फली का सब्जी तैयार हो गया। शुक्रिया दोस्तों आपका।